सेक्स परफॉर्मेंस का ऑब्सेशन, आइए उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 50 साल का जोड़ा हस्बैंड वाइफ मेरे पास में आए, काफी अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, 50 और 49 ऐसी उनकी उम्र। बड़ा लड़का जो है वो कुछ तो भी 22-23 साल का, 3 बच्चे, 2 लड़के, 1 लड़की। और उसमें अभी उसको ये है कि मैं अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये किसने बताया? तो बोले नहीं, मेरा सेक्स नहीं हो रहा है, मुझे कठोरता लिंग में नहीं आ रही है। कभी आती है कठोरता तो जल्दी गिर जाता है, शीघ्र पतन होता है। वाइफ को मैं खुशी नहीं दे सकता और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी खुशी नहीं दे पा रहा हूँ और वो नाराज है। तो मैंने कहा भाई नाराज है तो पूछो उसको नाराज है क्या। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, भी उनको प्रॉब्लम ही नहीं। मैं तो उल्टा उनको बोलते कि आप चिंता क्यों करते हो, अभी अपनी इतनी उम्र हो गई, मेरी MCP खत्म हो गई, मेरा मेनोपॉज आ गया है और अभी आप इतनी क्यों चिंता कर, मैंने कोई डिमांड भी कभी नहीं किया। बोले डिमांड नहीं करती है तो अपने आप को ये दबा रही, एक्चुअली उसकी इच्छा है। बोले ये आपको कैसे मालूम? नहीं बोले मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा है। बोले ये क्या लगाया है, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो कुछ बोलती नहीं, बोलता कि अपना भी सेक्सुअल लाइफ तो अच्छा हो गया, इतने साल तो अपन ने अच्छा एंजॉय किया है और अभी ये साल भर से ऐसा हो रहा है। तो मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं उसको कि मैं खुश नहीं हूँ या मुझे चाहिए, और कभी भी नहीं ऐसा बोला हुआ है। और ये क्या लगा है? तो बोले समझ में नहीं आता अभी ये मेरे को, आपकी तरफ खींच के लगाई कि भाई चलो इसको मतलब देखो भाई क्या करना, क्या कर सकता हूँ मैं। तो मतलब ठीक है अभी करना क्या है। फिर इंक्वायरी जब किया तो उसको है डायबिटीज मेलाइटस, उसके लिए वो डायबिटीज की दवाई ले रहा है। उसको है हाइपरटेंशन, उसकी भी दवाई ले रहा है। उम्र 50 साल की है, पिछले 5 साल से डायबिटीज हाइपरटेंशन है। अब इसमें होता क्या है कि डायबिटीज जिनको है और जो अनकंट्रोल डायबिटीज रहता है, जिसको उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा है, मेडिसिन वगैरह चालू किया मगर उतना चाहिए उतना नहीं है, इरेगुलर मेडिसिन है, तो डायबिटीज से जो ब्लड की जो वेसल्स है वो आकुंचन करती है, मतलब छोटी हो जाती है, उसमें उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है या अंदर से उसको एक अस्तर आ जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन या डायबिटीज या हाइपरटेंशन की गोलियां होंगी। तो फिर जब उसका एक लेयर अंदर से फॉर्म तैयार हो जाता है, ब्लड का जो फ्लो है उसको रेजिस्टेंस आता है और जितना चाहिए उतना ब्लड लिंग में जाता नहीं है सेक्स के समय, तो एक वो कारण हो सकता है। और दूसरा समझो ये नहीं है या ये है भी, दोनों भी, तभी भी जब इसकी मानसिकता, इसकी ये आदमी की मानसिकता क्या हो गई कि मेरी वाइफ सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा भाई तुम सेटिस्फाई नहीं, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ, बार बार इच्छा आ रहे हैं। बोला कितने बार सेक्स करते हो? नहीं बोले हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो फिर ये सब देखते देखते मालूम हो गया कि इसको है ऑब्सेशन, बार बार उसको विचार आ रहे हैं कि मैं मेरे वाइफ को खुश नहीं कर रहा हूँ, मेरे से सेक्स नहीं हो रहा है और मैं मेरे वाइफ को खुश नहीं कर रहा हूँ, ये विचार आ रहे। ना कभी उनकी हुज्जतबाजी हुई, ना कभी वाइफ ने डिमांड किया, ना कभी ऐसा ये फेल हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं, बार बार विचार है। मतलब आपको चाहिए क्या बताइए? अभी नहीं, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं वाइफ को खुश करूं, तो उसने मुझे बोलना चाहिए कि भाई आप सेक्स करो, तो मैं समझूंगा कि उसको चाहत है, जब वो डिमांड करेंगे, डिमांड ही नहीं करती। बोले मतलब चलो फिर आप डिमांड करना चालू करो भाई आज से। बोले डिमांड करूंगी मैं और इनसे हुआ नहीं, मैंने 1-2 बार डिमांड भी किया बोले इनके बोलने पर और इनसे हुआ नहीं, फिर और डिप्रेशन में जाते बोले कि मेरे से हो नहीं रहा है, तेरी तो इच्छा है और यदि तेरे को मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ तो और तू कहीं बाहर जाएगी, मतलब इधर से भी चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो इसमें तो जब उनको मैंने बोला कि भाई देखो ये ऑब्सेशन आपको है, एक्चुअली ये सेक्सुअल प्रॉब्लम ही नहीं, आप सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में आए, तो आप हम ऐसा करेंगे, हम काउंसिलिंग करेंगे और हिप्नोथेरेपी करेंगे, मैं आपको दवाई देता हूँ, उसको मैंने एंटी ऑब्सेसिव जो दवाइयाँ वो दवाइयाँ दिया, साइकोथेरेपी काउंसिलिंग किया, उसको सेक्स के बारे में बताया, अलग अलग क्या कर सकते उसमें बताया कि भाई एक दूसरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। 50 साल की उम्र मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट चले गया, ऐसा भी कुछ नहीं कि सेक्स बंद कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आप मरे तक सेक्स कर सकते हैं, आखिरी तक सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप उसके जो विचार है उसके बारे में अभी अपन ट्रीटमेंट लेंगे। जो बार बार विचार आ रहे कि मैं मेरे मिसेज को खुश नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार विचार है उसके ऊपर हम हमला करेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो उसको उस तरह से मैंने ट्रीटमेंट दिया और वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो हमको ये बेसिकली मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ, हमको ये देखना पड़ता है कि एक्चुअली बीमारी क्या है, वो मेरे तरफ आया कि सेक्स की बीमारी है, मतलब सेक्स नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली पता चला कि भाई ये ऑब्सेशन है, बार बार विचार आ रहे हो जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये हम यदि करते हैं डिसाइड और ये डिसाइसिवली मतलब ये देख लेते हैं बराबर कि भाई सोर्स क्या है, तो आदमी ठीक हो जाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।